ये है वो समाधि, पवित्र समाधि, जहाँ पर गुरु धुंधलनाथ जी और धर्मनाथ जी ने यहाँ पर समाधि ली थी। बीच में जो बड़ी छतरी दिख रही है वहाँ पर, और इस प्रकार यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर दोनों समाधियाँ जब यहाँ पर अपने एक दूसरे के संपर्क में आएगी, अटैच में होगी, तब जाके यहाँ पर धरती पर परलय आएगी। और ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का, सभी का। ये यहाँ की काजलवास की पवित्र भूमि है। यहाँ पर गुरु धुंधल धर्मनाथ जी ने यहाँ पर भक्ति की थी। धर्मनाथ जी गुरु थे और धर्मनाथ जी उनके शिष्य थे। यहाँ पर उन्होंने भक्ति की थी। उसके बाद में इस दीपनगर शहर को पाटन रटन पटन किया गया था। यह है वो पवित्र नगरी तपोभूमि। यहाँ पर कई संतों ने यहाँ पर भक्ति की है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर भोजन पकाने के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्था है। बहुत ही बड़ा स्थल है भक्ति का। एक बार अपनी यात्रा में ज़रूर इसे शामिल करें, एक बार ज़रूर आए यहाँ पर इस पावन पवित्र धर्म तीर्थ स्थल पर।